आज हम आपको एक ऐसी खास पतंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत है 25 लाख रुपया। और ये आप मेरे हाथ में देख भी पा रहे होंगे, ये खास पतंग ईजाद की गई है मेरठ में और ये सोने से तैयार की गई है। और इसकी क्या कुछ खासियत है, इसके बनाने के पीछे की मूल मंशा क्या थी, ये भी हम जानेंगे। साथ में हम आपको दिखा दें कि जो पतंग को उड़ाने के लिए मांझा एक चाहिए होता है, वो मांझा भी यहाँ सोने का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही जो आप ये देख रहे हैं चकरी, ये भी पूरी यहाँ सोने से ही तैयार की गई है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताइए, आपका ईटीवी भारत में बहुत स्वागत है। ये पतंग आप पकड़िए, आपने बनाई है, क्या शुभ नाम है? अंकुर जैन। अंकुर जी बताइए, ये जो पतंग कैसे तैयार की गई और कितना टाइम इसमें लगा? ये मेरठ में ही जो है कारीगरों ने तैयार करी है जी, ये 16 दिन में बनाई है हमने, 7 कारीगरों ने काम करा इसके ऊपर। और हम पतंग बनाने के शौक, उड़ाने के भी शौक हैं और बनाने के शौक पूरा कराइए। जैसे पतंग जो आपने बनाई है ये सोने की है और इसमें थोड़ा सा बताइए, देख रहे हैं कि काफ़ी काम किया गया है बहुत ही बारीकी से और देख रहे हैं डिजाइन दिया है बहुत खूबसूरत, किस तरह से क्या क्या किया गया है? बस दिमाग लगाया इसमें, हमारे यहाँ भी एक एग्जीबिशन भी थी बिग वाइट में इसी हफ्ते, तो उसमें हमने दिमाग लगाया क्या नहीं कह सकते हैं। अब क्योंकि चाइना मंजा जो है हमें शौक है और चाइना मंजा बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसका हमें विरोध करना है, तो इसलिए जो हमने सोने का जो मांझा बनाया इसमें। बहुत ही उम्दा बात इन्होंने बताई है कि जो चाइनीज मांझा आ रहा है उसका विरोध ये करना चाहते हैं और उस विरोध के लिए इन्होंने सोने का मांझा तैयार कर दिया है और ये प्रतीक के तौर पर तैयार हालांकि किया है और इसके माध्यम से ये विरोध करना चाहते हैं। और क्या ये नए अंदाज से हमने तैयार करा है बिल्कुल ही, ये इस बार एक उत्सव ऐसा है कि 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस एक ही दिन पड़ रहा है कि हमारे बसंत पंचमी, हाँ, तो इसलिए जो है उस दिन 26 जनवरी को ये हम जो है दिल से पतंग उड़ाएंगे यार दोस्तों के साथ, आपके साथ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा है पतंग आप उड़ाएंगे लेकिन ये तो काफी हैवी लग रही है, इसमें कितना दिल से उड़ाएंगे। ये पतंग दिल से उड़ाई जाएगी और इसकी डोरी मांझा बहुत लंबा करा हमने, हाँ, ये पूरी छत कवर करेगा। अच्छा, पूरी छत कवर करेगा और एक मतलब ऊपर ही टेरेस पर उड़ाई जाएगी। तो कितना वेट होगा इसमें? इसका 400 ग्राम प्लस है ये। 400 ग्राम प्लस। और जो मांझे में कितना वेट होगा, मांझे की कितनी लेंथ है? मांझे का 20 मीटर। और कुछ इसके बारे में कुछ खासियत बताइए। बस खासियत तो ये कि आप देखेंगे चरखी है, ये चरखी बनाने में कारीगर को बहुत दिमाग लगाना पड़ा, इसे मजबूत करने में बहुत डिजाइन बनाना पड़ा कि कैसे मजबूत रहेगी। इसकी एक एक वायर जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे, आप देखेंगे इसमें जो पूरे लकीर बना बनूकर उन्होंने जो है बहुत दिमाग लगा कर जो है कारीगर ने भी हमारे दिल से बनाई है। और ये मेरठ मैनुफैक्चरिंग का हब है तो मेरठ में तो कारीगर बहुत आसान से बना भी लेता है। तो ये मेरठ में ही 100% तैयार हुई है या कहीं बाहर? मेरठ ही टोटल 100% मेरठ में तैयार हुई है। और कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बस मेरठ तो ये है कि अब सोन नगरी के नाम से जाना जाएगा और बहुत प्रयास है लोगों का, हमारे विजय आनंद जी का बहुत प्रयास है, बुलेन ट्रेडर्स का बहुत प्रयास है, तो आज मंत्री जी आ रहे हैं उनके सामने यही बात होगी इसे जो सोन नगरी के साथ जो और हिंदुस्तान में वर्ल्ड में नाम हुए। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? रितेश जैन। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पतंग देख रहे हैं आप सोने की? बस मन में नई चीज़ नई उमंग आई भी इस बार सोने की पतंग बनाई जाए और उसे 26 जनवरी और बसंत पंचमी वाले दिन स्पेशल तरीके से उड़ाई जाए, बाकी ट्राई है कोशिश है जैसे होगा। क्या प्लानिंग है थोड़ा सा आप बताइए? बस यही कि रिकॉर्ड में आ जाए, पहले इंडिया में आ जाए, गिनीज बुक ऑफ इंडिया में आ जाए, तो ये है कि मेरठ का नाम ऊंचाइयों पर चलेगा जी, यही कोशिश है हमारी, अब सब भाई आगे बढ़ें। देख सकते हैं स्वर्ण नगरी से बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ जा रहा है, जहाँ चाइनीज मांझा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है वहीं ये खास मांझा भी तैयार किया गया है और इनकी मंशा यही है कि लोग जागरूक हों, चाइनीज मांझे से दूर रहें, वहीं सोने की खास पतंग इन्होंने तैयार की है और इनका कहना है कि ये इसे लेकर दावा भी अपना पेश करने वाले हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।